चेस्ट मारी थी कल, चेस्ट में भी बहुत इंसेन पंप आया है, दर्दें भी आई है, बट शोल्डर शोल्डर शोल्डर। ये अभी मैं फ्लैट के छत पे हूँ, ऐसा ऐसा कुछ व्यू है। तो वी हैव शिफ्टेड आवर फ्लैट, यहाँ पे रह रहे हैं अब हम। ये देखो भाई, हम पंचरिश भाई के फ्लैट पे, यहाँ पे प्यारी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है ये होगी, वॉशिंग करेंगे हम अपनी रूबी की। वॉश कराने को आ गई है बहुत टाइम से, एक हफ्ते से वॉश नहीं कराई है मैंने। तो फर्स्ट सर्विस तो हो गई थी इसकी डन, जैसे कि आपने प्रीवियस व्लॉग में देखा था। एंड व्लॉग्स कंटिन्यूटी में नहीं आ पा रहे बिकॉज थोड़ा आजकल पढ़ाई में फोकस भी कर रहे हैं और काम भी है, उनको बताएंगे, रिवील करेंगे जल्दी। वर्कआउट वीडियोज आई विल ट्राई टू मेक, आई विल ट्राई टू शूट एंड देन अपलोड कर दूँ मैं एडिट करके। यहाँ से रूबी की वॉशिंग कराने, तो दिखाते हैं आपको आगे का काम। और इसमें ना मुझे यार एक प्रॉब्लम आ रही है, मतलब प्रॉब्लम ही है ये, होंडा वालों को ध्यान देनी चाहिए थी कि जो फ्रंट फेंडर है ना इसका, वो छोटा रहता है, तो उससे ना कीचड़ इंजन पे आ रहा होता है सारा। तो वो एक छोटी सी वो है, तो मैंने पूछा था यहाँ पे खरड़ में, पता गया था। अब मुझे लग रहा है कि मनी माजरा जाऊँगा तो वहीं पे जाके काम होगा। तो फ्रंट फेंडर को एक्सटेंड करवाना है मुझे, ताकि वो कुछ भी डर्ट कीचड़ वो पीछे इंजन पे ना आए और सेफ़ रहे, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे भी पानी होता है जैसे बीच बीच में रास्तों पे, तो मुश्किल हो जाता है, गंदी हो जाती है, एकदम से गंदी हो जाती है। तो बस सही है, बाकी मिरर भी चेंज करवा देंगे इसके जल्दी, क्योंकि अभी जो इसमें हैं लगे हुए कंपनी फिटेड मिरर, वो ही प्रीमियम लुक देते हैं, तो मुझे एज सच नीड नहीं पड़ रही थी। बट अब देखते हैं, करवा देंगे थोड़ा लुक चेंज करने के लिए, आपको भी सुंदर लगेगी। तो अभी तो वॉश करवाते हैं और देखते हैं आगे का क्या बनता है। सो चलो, बहुत दिन से ना मेरे फेशियल बियर्ड बाल भी काटने को ही हुए, ऐसे सुस्ती सुस्ती में काट दिया ना सारा दो एक हफ्ते। तो चलते हैं भाई यहाँ से, बियर्ड बोर्ड भी करवाएंगे एक दो दिन में, अभी नवरात्रि चल रही है एक, तो उस करके थोड़ा रुका हूँ। हेयर वी हैव आवर रूबी। तो यार ये वो सीन जो मैं तुमको बता रहा था ना, कि फेंडर इसका शॉर्ट है, तो कीचड़ ना सारा इंजन पे जाता है, ये देख सकते हो आप। तो आई वॉन्ट दिस थिंग टू बी सॉर्टेड, मनी माजरा से एक्सटेंडर लगवा दूंगा इसमें, फिर ठीक हो जाएगा काम। बाकी गंदी हुई है बाइक, वॉश करवाते इसको, फिर देखते हैं चमचमा जाएगी जब सुंदर सुंदर बनाते हैं इसको। तो लेट्स गो। वॉशिंग हो चुकी है, अब स्टार्ट। तो प्रज्वल जी यहाँ पे सारा AI चेक कर रहे हैं कार का, ठीक है गाड़ी। तो प्रज्वल जी कैसी लगी आपको रूबी नहीं, ये क्रूज गाड़ी जो जिसका आप AI चेक कर रहे हो? क्रूज गाड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, पावरफुल गाड़ी है। आप भी पावरफुल बंदे हो, यहाँ पे भाई AI सेट होता है क्रूज गाड़ी में। ऐसे साफ तो हो जाती है बाइक खुद से भी, बट जो प्रेशर पड़ता है ना पाइप से, वो इंजन के साथ सारी मिट्टी जो जमी होती है उसको निकाल देता है, तो वॉशिंग इज नेसेसरी। और वैसे भी गंदी गंदी बाइक अच्छी नहीं लगती है, धो के बिल्कुल सुंदर हो जाएगी। जब तक वॉशिंग होती है डन, तब तक हम भी रहे स्प्राइट। और आप यहाँ पे साइकिल देखो, इसके टायर देखो भी, और कुछ सेक्सी टायर है इसमें, इतने मोटे मोटे टायर है ना। क्या माइलेज देती होगी प्रज्वल भाई है? छोटू क्या माइलेज देती है साइकिल बता दे यार, क्या देख रहे हैं रील? आफ्टर गेटिंग वॉशिंग डन, हम पहुंचे रूम और देख सकते हो आप, चमक चुकी है हमारी रूबी, है ना।
भाई साहब सेक्सी बॉय वॉशिंग क्लोथ्स। तो भाई अब जा रहे हैं हम जिम, जिम का टाइम हो चुका है, मिलाते हैं आपको कपड़े धोने वाले अच्छे बच्चों से। हेलो जनाब। हेलो ब्रो। सेक्सी बॉय कैसे हो आप? बढ़िया भाई बढ़िया। आप बढ़िया भाई? कहाँ जा रहे हैं फिर? अब हम जिम मारने जा रहे हैं भाई। तो भाई वर्कआउट करते हैं और भाई साहब ने क्रिएटिन पिया और अब चलते हैं। सोसाइटी दिखाऊँ आपको, वॉक अराउंड ऐसी ऐसी है, कुछ जैसे पहले होती थी अर्बन होम्स 3-2 सेम वैसी वैसी है। और यहाँ पे हमारी प्यारी प्यारी रूबी। और मैंने अभी अभी वॉशिंग करवाई थी और मैं वापस पहुँचा हूँ, तो देखो इंजन पे फिर से छींटे लगने स्टार्ट हो गए। ये चीज़ है जो मुझे इसकी थोड़ी ठीक नहीं लगी है, फेंडर एक्सटेंड करवाना पड़ेगा मेरे को, तब बनेगी बात। बाकी तो ठीक है भाई, गच है भाई सेक्सी। और साथ में रॉयल इनफील्ड और रॉयल इनफील्ड, ये देखो ये क्रेजी चीज़ देखनी है, मशीन चेक दिस हेलीकॉप्टर। ये वाले मिरर्स इंस्टॉल कर देंगे रूबी में भी जल्दी जल्दी, और तीनों बाइकें एक जैसी क्लासिक एंड क्रूजर। ये प्योर क्लासिक है, ये दोनों क्रूज में आ जाती हैं। बारी बहुत है पर सेक्सी है भाई। चलते हैं भाई, टायर देखो आप अपनी रूबी का भाई सबसे बड़ा, तो लेट्स गो करते हैं इसको कोल्ड स्टार्ट। थार 4x4 लेट्स गो। रोड के हाल देखना भाइयों, ऐसा रोड आपने देखा नहीं होगा कहीं पे, पंजाब का सबसे घातक रोड है, गड्ढों से भरा रोड। कैसे पास लूँ मैं यहाँ से भाई, घुसा दूँ गड्ढे में भी ना जी ना। We have reached gym. Let's go. यहाँ पे आप अपना गुस्सा निकाल सकते हो जितना मर्जी। We started our warm up. Let's start. जल्दी जल्दी से बिना वेट करे। We have started legs. लेग्स और शोल्डर, मैं क्या करूं, लेग्स और शोल्डर के टाइम मेरे को याद आता है कि शूट करना है, तो शोल्डर करेंगे एंड लेग्स करते हैं
शोल्डर का दिखा दूंगा थोड़ा बहुत वर्कआउट आपको। ऊपर इसे रोशनी आ रही है तो अनुभव कैप्चर होना मुश्किल हो रहा है। और अभी स्पीकर भी ऑन नहीं हुआ है, आज प्रॉब्लम आ रही है कुछ। सांस नहीं आ रही। एग्जॉस्टेड। यहाँ पे ट्रेनर साहब आ चुके हैं जिम के, योन्स दिस जिम, और इनसे स्पीकर का भी समाधान निकलवाते हैं, स्पीकर चलाते हैं। ओ, आ जाओ यार जनाब, कैसे हो? चला दो स्पीकर यार भैया जी, कर दो कृपा। सो ही इज द ओनर ऑफ दिस जिम। सर गेटिंग ऑन, ऊपर वाली लाइट्स लगती हैं भाई बड़ी सेक्सी। थोड़ी टाइम मत करेंगे ऑन, तो दिखाते हैं आपको। गाने चला रहे हैं, गाने स्पीकर चल चुका है भाई। ये हैंग होता है, इसको काट दे तू, ये किसी मतलब का नहीं है। यूट्यूब चलाइयो वैंस। यो बाप जी, कम ऑन बॉय, पुश इन ना विद मी। जिम चेक करो भाई, डन विद द वर्कआउट, और बहुत बुरे हाल हो चुके हैं भाई, थक गए हैं फुल ऑन, एग्जॉस्टेड। सेक्सी वर्कआउट रहा। वी आर डन विद द वर्कआउट। कैसा रहा भाई साहब आपका वर्कआउट? बहुत सही रहा, शोल्डर अच्छी ट्रेन की है। ट्रैप्स देखो, ट्रैप्स पटने को हुए, ऊपर को निकल रहे हैं, ये टैटू निकल जाएगा बाहर। एंड चेक दिस लाइटिंग, यहाँ पे फोटो क्लिक करेंगे फिर पोस्ट करेंगे, ठीक है? चलते हैं भाई यहाँ से सीधे रूम की ओर, पोस्ट वर्कआउट लेते हैं। स्वीट पोटैटो, क्रिएटिन तो हमने पी लिया था पहले ही, और चलते हैं अब यहाँ से रूम की ओर। चले भाई साहब, अब जा रहे हैं हम अपने फ्लैट। रीच एट द रूम एंड अब पंप चेक कर सकते हो भाई, हर शोल्डर का नेक्स्ट लेवल ही पंप आया है। क्रैम्प, ओफ। चेस्ट मारी थी कल, चेस्ट में भी बहुत इनसेन पंप आया है, दर्दें भी आई है, बट शोल्डर शोल्डर शोल्डर। चलते हैं कहीं, कहाँ, क्या, कौन से क्या, कौन से वाला, कौन से वाला। ओ भाई भाई, ये क्या आया है? मील टाइम पोस्ट वर्कआउट, कैसेन प्रोटीन। ठीक 10 बजे है भाई, और सीक्वल चला हुआ है, DML DCL कमांड्स हैं सीक्वल में जो यूज़ होती है,